Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. प्रभु की कृपा से मैं ये लावा पार कर किसी भी तरह प्रभु के मंदिर तक पहुंच जाऊं. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. ऐसी भक्ति कैसे संभव है? क्या ये अब भी नहीं रुकेगा? सर्वथा अनूठी है इस भक्त की भक्ति. प्रभु आपकी कृपा से मैं अब आपके मंदिर तक तो पहुंच गया, किंतु मेरा कंठ सूख रहा है, बहुत प्यास लग रही है. मैं स्वीकार करती हूं पिताश्री, ये तो वास्तव में आपका परम भक्त है. परंतु इसकी निष्काम भक्ति की एक और परीक्षा भी शेष है. त्याग ही भक्ति की पराकाष्ठा है. भक्त का त्याग ही उसे महान भक्त बनाता है, और त्याग ही भक्ति की अंतिम परीक्षा भी है. क्षमा कीजिए पिताश्री, किंतु भक्त चंद्रधर तो सर्पों के मध्य से आगे बढ़े, वो वृषभ से भी नहीं डरे, ज्वालामुखी की अग्नि देखकर भी नहीं रुके. जो अपनी भक्ति के लिए अपने प्राण भी त्यागने को तैयार हो, उसके त्याग की भला और क्या परीक्षा हो सकती है? प्रभु के जल अभिषेक के लिए जल सुरक्षित है, किंतु इस जल का पान करने की कल्पना भी नहीं कर सकता मैं. पिताश्री, अब वो प्यास के कारण मरणासन्न स्थिति में है, तो ये उनका त्याग ही तो है. नहीं पुत्र गणेश, ये उसकी निष्ठा, श्रद्धा, आस्था, भक्ति एवं अटल निश्चय का उदाहरण अवश्य था, किंतु त्याग का नहीं. क्योंकि त्याग तो वो होता है जब वो उसे गंवाने के लिए तैयार हो, जिसके लिए अपने प्राण भी न्योछावर करने के लिए तैयार था. जो इस समय चंद्रधर के लिए वो जल है, जो वो अपने प्रभु अर्थात मेरा अभिषेक के लिए लाया है. यदि वो इस जल का भी त्याग कर सका, तब वो भक्त अपनी भक्ति की परीक्षा में सफल होगा. तो क्या पिताश्री स्वयं चंद्रधर की भक्ति की परीक्षा लेंगे? मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है प्रभु कि मैं आपके बहुत ही निकट पहुंच गया. ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षेयम् मामृतात्. ओम नमः शिवाय. जल जल जल. हे प्रभु, मुझे जल दिलवा दीजिए. जल तो है मेरे पास. जल जल. जिसे सुरक्षित रखने के लिए उसने इतना श्रम किया, सभी विपदाओं को सहा, क्या वो उस जल का त्याग कर सकेगा?
जल प्रभु, जल। प्रभु के अभिषेक का जल, ये जल मैं इन्हें कैसे दे दूं? जल। क्या भक्त चंद्रधर अपनी भक्ति की इस अंतिम परीक्षा में असफल हो जाएंगे? मुझे क्षमा करना प्रभु, आज आपका ये भक्त आपका जल अभिषेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा हृदय कह रहा है कि प्रभु के भक्तों की सेवा करना भी स्वयं प्रभु की सेवा करना है। पीड़ित की सहायता करना ही तो हमारा परम धर्म है। मुझे इस जल से ऋषिवर की प्यास बुझाकर उनका कष्ट हरना चाहिए। और प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है कि ये जो जल मैं आपके अभिषेक के लिए लाया हूं, उससे आपके भक्त का ही भला हो। ओम नमः शिवाय। ऐसी अपार भक्ति, ऐसा निस्वार्थ भाव, ये कैसे संभव है? ऋषिवर, जल ग्रहण कीजिए। ऋषिवर, क्या है ये अनुभव? जल आप पी रहे हैं और शांति मुझे मिल रही है। कल्याण हो पुत्र, तुमने मेरी प्यास बुझा दी, मेरे कष्ट हर लिए। ईश्वर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करे। नहीं नहीं पुत्र, नहीं, मुझे और सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। जो मुझे चाहिए था वो तुम मुझे दे चुके हो पुत्र। आपका ये भक्त आपका जल अभिषेक नहीं कर पाए। ऋषिवर, तुमने मेरी प्यास बुझा दी, मेरे कष्ट हर लिए। ईश्वर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करे। प्रभु, हे शिव शंकर, आप मेरी परीक्षा ले रहे थे। धन्य है प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। परीक्षा भक्त ने दी, कष्ट भक्त ने सहे, त्याग भक्त ने किया, किंतु उसका संपूर्ण श्रेय मुझे देकर भक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है चंद्रधर ने। और अब देखो भक्ति में रम कर कैसा निहाल है मेरा भक्त। ऐसे ही भक्तों की अटल आस्था और अडिग विश्वास के कारण हम भगवान हैं। पुत्री, मेरे प्रति उसकी निष्ठा का ऐसा अद्भुत उदाहरण देखने के बाद भी क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे प्रति निष्ठावान होगा? तो तुम्हें उसका प्रयास अवश्य करना चाहिए। उससे मुझे ही नहीं संपूर्ण जगत को प्रसन्नता होगी। तुम्हें देवी मानकर सभी तुम्हारी पूजा करेंगे और कलयुग में तुम्हारी भक्ति और पूजा भक्त गणों की आस का आधार बनेगी। किंतु मैं तुम्हें फिर सचेत करता हूँ कि वो मेरे सिवाय किसी और की आराधना नहीं करता। इसलिए अपनी भक्ति के लिए उसे प्रेरित करने के पहले तुम्हें उसमें अन्य भगवान के अस्तित्व में विश्वास जगाना होगा। ओम नमः शिवाय। विश्वास और भक्ति जगानी होगी तो वो भी करूंगी मैं, किंतु भविष्य में अपने परिवार से दूर रहना नहीं सहूंगी मैं। पिताश्री, मैं देवादिदेव महादेव की पुत्री हूँ, आपके समान है। मैं अपने शब्दों पर अडिग रहूंगी, जो मैंने कहा है वो मैं करके ही दिखाऊंगी। इसलिए मैं प्रण लेती हूँ कि आपके परम भक्त चंद्रधर के मन में अपने प्रति भक्ति जगाने के लिए मुझे कितने भी अथक प्रयास क्यों ना करने पड़े, मैं करूंगी पिताश्री। किंतु कैलाश के द्वार में तभी प्रवेश करूंगी जब मुझे देवी का स्थान प्राप्त होगा। मेरे पुत्र गणेश के मन में तो बहुत जिज्ञासाएं होंगी। पूछो पुत्र, जो पूछना चाहते हो। माता, कैलाश में शांति बनी रहे, परिवार के सभी सदस्यों में सामंजस्य स्थापित हो, इसलिए हमने प्रभु सत्यनारायण की पूजा का आयोजन किया। तो फिर हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई कि हम दीदी मनसा को आमंत्रित करना ही भूल गए? पुत्र, तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे पिताश्री देंगे। कैलाश में सत्यनारायण पूजा का ध्येय मात्र कैलाश में शांति कैसे हो सकता है पुत्र? उससे तो समस्त जगत में शांति और सामंजस्य की स्थापना होनी चाहिए ना? और जो भी यहाँ हुआ वो तो मात्र उस शांति का निमित्त है पुत्र। हम अपनी संतानों में भेदभाव नहीं करते पुत्र, और आज
ये सत्यनारायण व्रत कथा का एक और उद्देश्य था, तुम्हारी बहन मनसा भी देवी पद प्राप्त कर सके, इसलिए ये पूजा भी उसका आधार बनेगी। जहां भी मेरे इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन होगा, वहां समृद्धि आएगी, परिवार में आपसी समझ बढ़ेगी और अधूरे कार्य संपन्न होंगे। अब मैं समझा, ये अधूरा कार्य पूर्ण होगा, सत्यनारायण कथा का ये लाभ होगा, इसलिए आपने दीदी मनसा को आमंत्रित नहीं किया था, तो मैं उचित ही समझा था, ये आप दोनों की ही लीला थी। किंतु माता, मुझे तो अपनी बहनों का ज्ञान ही नहीं, दीदी ज्योति का जन्म कैसे हुआ और क्या दीदी अशोक सुंदरी वास्तव में कल्पवृक्ष से जन्मी थी, और मनसा दीदी, उन्होंने पिताश्री की क्या सहायता की थी, उनका नाम मनसा क्यों है? धीरज रखो पुत्र, तुम्हारी समस्त जिज्ञासाएं अवश्य शांत होंगी। तो माता, शीघ्रता कीजिए, यह कथा भी आरंभ कीजिए। सर्वप्रथम मैं तुम्हें पुत्री अशोक सुंदरी के बारे में बताऊंगी। पुत्री अशोक सुंदरी के नाम में ही इसके जीवन का उद्देश्य निहित है, अर्थात जो शोक रहित हो, और यही इसके जीवन का उद्देश्य है पुत्र, कि संसार वासी को कष्टों से छुटकारा दिलाकर उनमें वास्तविक आनंद का भाव जगाए। एक बार जब स्वामी और मैं नंदन वन विहार के लिए गए, सभी का अभिवादन कर रहे हैं, किंतु उसका कोई उचित उत्तर नहीं दे रहा है। इतनी समृद्धि में इतनी उदासी क्यों है स्वामी? असंतोष। कामना, मोह माया, सब कुछ होने पर भी दूसरों से अधिक पाने की इच्छा दुख का कारण ही बनती है। स्वामी, इन सब के पास कुछ ना होते हुए भी ऐसा क्या है जिसे पाकर ये आनंद से निहाल है? संतुष्टि, संतोषम परम सुखम, अर्थात संतोष ही परम सुख का कारण है। यहाँ के वासियों ने कामना शक्ति और आत्मशक्ति में संतुलन स्थापित करना सीख लिया है, जिसके कारण इन्हें अध्यात्म का ज्ञान हुआ है और ये नंदन वन के वासी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। आपने उचित कहा स्वामी, कामनाओं का जाल सभी को उलझाकर उदास करता रहा तो उस शोक के भार से संपूर्ण सृष्टि मुरझा जाएगी।
ईर्ष्या व्यर्थ की कामनाओं को जन्म देती है। जो व्यक्ति इसके प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं उसकी कार्य क्षमता घट जाती है और वो शोक में डूबकर दुखी हो जाता है। किंतु मैं तो माँ हूँ और मैं अपनी संतान को कभी दुखी नहीं देख सकती। मुझे अवश्य कुछ करना होगा। वो परम सुख, वो परम शांति का अनुभव तभी संभव है जब संतुष्टि की शक्ति का अनुभव हो, जो किसी भी प्रकार के शोक को मिटाकर प्रसन्नता और आनंद की ओर ले जाता है। मेरी इच्छा है कि कोई ऐसा हो जो संसार वासियों को संतोष करना सिखा सके, उन्हें जीवन के दुख सुख से परे हटकर आगे बढ़ने की आत्मशक्ति प्रदान करे, उनके शोक हरे और आनंद का अनुभव कराए। कल्प वृक्ष आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार है। प्रिय पुत्री की इच्छा भी छिपी हुई थी तो दिव्य कल्प वृक्ष ने आपको पुत्री देकर आपकी इच्छा भी पूरी कर दी। माँ नित्यानंद करी, वरा भय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्धुताखिल पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्राणे या चल वंश पावन करी, काशी पुराधीश्वरी, भिक्षां देहि कृपावलंबन करी, माता नमूणेश्वरी, माता नमूणेश्वरी। हमारी पुत्री को उसके पिता से भी तो मिलने दीजिए। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो। आपके मुख पर इतने समय बाद भावपूर्ण मुस्कुराहट देखकर मुझे विश्वास हो गया है हमारी पुत्री इस संसार में सभी की मुस्कुराहट का कारण बनेगी। माँ पुत्र हो या पुत्री, माता पिता के मुख पर मुस्कुराहट लाना तो संतान का परम धर्म होता है ना। कितनी छोटी है हमारी पुत्री किंतु अपने भीतर ज्ञान का भंडार समेटे है। जगत माता और पिता की पुत्री को ज्ञान होना स्वाभाविक है, किंतु मेरा नामकरण तो कर दीजिए माता। तुम मेरी सुंदर पुत्री हो और तुम्हारा जन्म इस संसार के दुख संताप हरने के लिए हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम होगा अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी। मुझे इतना सुंदर नाम देने के लिए आपको कोटी कोटी धन्यवाद माँ। अद्भुत है दीदी अशोक सुंदरी की जन्म कथा। अपने भ्राता का प्रणाम स्वीकार कीजिए दीदी। माता तब तो दीदी आपके साथ कैलाश आई होंगी ना, किंतु कैलाश में तो मैंने इन्हें कभी देखा ही नहीं।
तो अवश्य मेरे जन्म से पहले ही दीदी यहाँ से प्रस्थान कर गई होंगी, है ना माता? दीदी, किंतु आप कहाँ चली गई थी और क्यों? कैलाश में रहना क्यों नहीं भाया आपको? पुत्र गणेश, वो जाती तो तब ना जब कैलाश आई होती, वो तो कैलाश कभी आई ही नहीं, क्योंकि उसके जन्म के कुछ ही समय बाद। माँ देखिए कितने सुंदर पुष्प हैं। कितनी सुंदर धुन है, मुझे भी सिखाइए ना माँ। कैलाश पहुँचने पर मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊंगी, हम दोनों माँ पुत्री मिलकर बहुत कुछ करेंगे। नहीं प्रिय, इस संभव नहीं। अब हम दोनों का कैलाश लौटने का समय आ गया है। और हमारी पुत्री अशोक सुंदरी, ये कहाँ रहेगी स्वामी? क्या हुआ स्वामी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? प्रिय, हम अपनी पुत्री अशोक सुंदरी को अपने साथ कैलाश नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते स्वामी? संसार के शोक हरने के लिए हमारी पुत्री ने पृथ्वी पर जन्म लिया है, यही है इसकी कर्मभूमि, कैलाश नहीं। इसलिए इसे यहीं रहकर अपना कर्तव्य पूर्ण करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी, हम इसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते स्वामी, नहीं जा सकते। माँ, मैं बालिका हूँ, नन्नी हूँ, किंतु जगत जननी माँ पार्वती की पुत्री हूँ। वो माँ पार्वती जिनके देवी दुर्गा स्वरूप के कल्पना मात्र से पापियों की आत्मा कंपित हो जाती है, जिनके देवी काली स्वरूप के सामने आने के नाम पर उनका साहस मिट जाता है, और मेरे पिता हैं जगत पिता शिव शंकर शंभु, जिनका तीसरा नेत्र खुल जाए तो दैत्य हो या दानव सभी पल भर में भस्म हो जाते हैं। आपकी इस पुत्री का सौभाग्य है माँ कि मुझे आप दोनों के गुण और आशीष प्राप्त हुए हैं, फिर मुझे लेकर आप चिंतित क्यों हैं? स्वामी, मैं अपनी पुत्री को अपने साथ तो नहीं ले जा सकती, किंतु इसे कोई कमी हो मैं वो नहीं देख सकती। सहस्र कांतिम रुण क्षामां शिरो मालिकां रक्तालिप्त पयोधरां जपपटिं विद्यां भीतिं वरम्। पुत्री, इस भवन में तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। माँ, जब मुझे आपका और पिताश्री का आशीर्वाद मिल गया तो फिर मुझे सारा संसार ही मिल गया, और कुछ कहाँ चाहिए था मुझे? प्रिय, पुत्री अशोक सुंदरी सर्वथा उचित कहती है, जिसके जीवन का आधार और उद्देश्य संतोष ही हो, जिससे वो संसार के दुख मिटाए, उसके मन में भी संतुष्टि का भाव ही होगा, फिर उसे इस सब की आवश्यकता नहीं होगी। स्वामी, मैंने जो कुछ भी किया वो अपने लिए किया, जिससे मैं अपनी ममता को संतुष्ट कर सकूं। पुत्री, संसार में सज्जन भी हैं और दुर्जन भी, इसका सदा ध्यान रखना पुत्री। इस वन की परिधि में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु यहाँ से बाहर जाते समय अपनी कोमल बालिका रूप को नहीं अपितु अपने दिव्य रूप को धारण करना और संसार में आनंद का विस्तार करना। उचित है माँ। पुत्री, उचित समय आने पर तुम्हारी भेंट नहुष से होगी,
जिससे तुम्हारा विवाह होगा, क्योंकि उनसे महान राजाओं ययाति, पुरूर्वा आदि के वंश के साथ कुरु वंश का आरंभ होना नियत है। पांडव और कौरव इसी वंश से होंगे और प्रभु श्री कृष्ण की निगरानी में महाभारत में भाग लेंगे, जिससे भविष्य में धर्म का पथ नियत होगा। ऐसे महान वंश के आरंभ में नहुष के साथ तुम्हारी दिव्यता की समान रूप से भागीदारी होगी। मैं पुत्री को छोड़कर तो जा रही हूँ, परंतु मेरा मन नहीं मान रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होता है, जिसकी प्राप्ति का मार्ग उसे स्वयं तय करना होता है। संतोष का वृक्ष कितना भी कड़वा क्यों ना हो, परंतु इस पर फल मीठे ही आते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।